While Manisha has played an integral part on the show, Suraj was just seen for a cameo on Mahakumbh. But looks like they've been so attached to the show that it's getting difficult for them to part ways. Hear it out. मेरी जर्नी पहले एपिसोड से लास्ट तक आपने देखा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस बारे में कि मुझे लगता है कि कास्ट में सिर्फ मैं ही हूँ जो पहले एपिसोड से एंड तक था और जिसमें मुझे इतना कुछ जीने को मिला है. जितने शेड्स जो नॉरस कहते हैं, मैं डरता भी हूँ, डराता भी हूँ, रोता भी हूँ, रुलाता भी हूँ और गाना भी गाया मैंने. यानी आप सारे जितने रस कह सकते हैं वो सारे मैंने इसमें किए. तो मुझे बहुत कमाल का, अगर महाकुंभ कह सकते हैं कि महाकुंभ अगर किसी ने पिया है, पीने को मिला है, डेफिनेटली उसमें से एक मैं भी कैंडिडेट हूँ और पहला ही रहूँगा शायद. आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, जब आप आए हैं तो क्या हुआ है. वैसे मैं बता दूं कि मनीष जी वाकई बहुत ही रसीले हैं. अलग अलग तरह के रस तो इन्होंने यहाँ पे करके दिखाए हैं. और उसके अलावा चाणक्य का किरदार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य में ऐसा जो एक इमेज इनकी तब बनी थी वो उसको बहुत बुरी तरह से इन्होंने तोड़ा है इस शो में. एक इनका बड़ा इमोशनल सीन था जो उन्होंने बहुत ही कमाल का किया. तो कई पड़ाव ऊपर गए हैं इस शो से. तो बहुत अच्छा लगता है जब एक कैरेक्टर अपने पास्ट, एक एक्टर अपने पास्ट कैरेक्टर के अंदर बंद कर नहीं रहता, उससे कुछ अलग और नया और फील करके कुछ ऐसा करता है जो पहले ना किया हो. तो मनीष जी ने बढ़िया काम किया, गौतम ने भी बहुत अच्छा किया और बाकी सारे किरदार, यू नेम ऑल एवरीबॉडी. मैं सबके कैरेक्टर नेम्स नहीं जानता लेकिन मैं तो काफ़ी आखिर में आया हूँ शो को ख़त्म करने में, मेरा हाथ है घर का भेद लंका ये लंका जाने वाले विभीषण. तो मैं विभीषण का मैंने किरदार एंड में किया बड़ा, लेकिन वो तीन दिनों की शूटिंग में बहुत मज़ा आया लगा के. नहीं, हमने वो भी मजा किया जो हम धनानंद और चाणक्य में करते थे. सच में चंद्रगुप्त बहुत एंजॉय किया. कोई काम चाहते थे कि हम साथ में करें, मालिक करे आगे भी साथ. आई थिंक बहुत जल्दी हमें इंडस्ट्री ने मौका दिया कि हम दोबारा साथ में काम कर पाए, अदरवाइज 10 से 15 साल लग जाते हैं फिर से काम करने में. बट वंडरफुल जर्नी एंड ग्रेट शो बाय मिस्टर अरविंद बर्बल, बड़ा मजा आया. टी आर पीज में मैं सच बताऊँ बिलीव नहीं करता. टी आर पीज की बात ऐसी है कि जिसको समझने की कोशिश मैं अब भी कर रहा हूँ, इतने साल हो गए हैं काम करते हुए. टी आर पी एक तरफ होती है, ऑडियंस एक तरफ होती है. तो वो काउंटिंग जो होती है जो शब्दों की होती है, जो लिखित में होता है कि अंकों की ये टी आर पी है, तो वो अंक मुझे लगता है कि ऑडियंस बिल्कुल उल्टी है उस मामले में, मुझे ऐसा लगता है. अब आगे इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जितने लोगों से बात होती है, जितने लोग रास्ते में मिलते हैं या आपको जाते हुए आते हुए टकर जाते हैं, या मुझे तो कोई ऐसा नहीं मिला जिसने महाकुंभ नहीं देखा और जो पूरी स्टोरी डिस्कस ना करता हो हमारे साथ कि अरे उसके बाद क्या मतलब, वो क्या हुआ, कैसे हुआ. हाँ, बीच बीच में डेफिनेटली, देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बीच बीच में गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, वो हर किसी से होती हैं. लेकिन उसके बावजूद जो इंटरेस्ट था, जो एक हम लोग जिस अरविंद जी, अरविंद बब्बल जी, अरविंद पाठक जी लाइफ ओके इस जो एक स्टैंडर्ड ले गया इस शो का, तो वो शो डेफिनेटली वो लोग अपने आप बोलते हैं कि यार ये शो कुछ अलग ज़रूर है जो आम शोज या जितने हम शोज देखते आए हैं अब तक उनसे हटके. तो डेफिनेटली ये हमारी टी आर पी है, ना कि वो अंकों में लिखित गई लिखित. उसके अलावा क्या ना कि शो के साथ जब इमोशनली पब्लिक अटैच होती है तो टी आर पी इज़ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन वो अटैच हुए हुए लोग धीरे धीरे ही पब्लिसिटी भी अच्छी कर लेते हैं, उसकी माउथ पब्लिसिटी, और टी आर पी भी धीरे धीरे बढ़ जाती है. तो पीपल हैव एंजॉयड द शो. मेरा एक्सपीरियंस जो ग्रीन पर्दे से शुरू हुआ था, तब ये क्रोमा सेट बन रहा था. हम लोग शूट करते थे वो ग्रीन क्रोमा में. मेरी लाइब्रेरी जो दिखाई गई थी, आप बिलीव करेंगे वो लाइब्रेरी के बारे में लोगों ने मुझसे पूछा कि लाइब्रेरी है किधर, तुम कहाँ जाते हो, वो लाइब्रेरी हमें दिखाओ. वो बुक्स, वो लाइब्रेरी देख के उनको जाने का मन करता कि हम वो ऐसी लाइब्रेरी मिले तो हम सारी ज़िंदगी उन किताबों के बीच गुजार सकते हैं. तो वो जो, जबकि सिर्फ हरा पर्दा था, मुझे सिर्फ वो दिखाना था कि मुझे लोगों को मालिक का आशीर्वाद है, अरविंद जी ने जिस तरह काम करवाया. हाँ, वो लाइब्रेरी भी हरा पर्दा था. लोगों ने जिस तरह से उसको बिलीव किया और लोगों ने मुझसे कहा कि कैसे कहाँ किया, ये सचमुच क्या वो तरंगे थीं. अगर आप वो एपिसोड अगर याद करें कि वो पियानो बजा रहा है, पियानो में जो तरंगे उठ रही हैं, जो कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर पर भी आप बिलीव करेंगे, कंप्यूटर पर भी वो ग्रीन पर्दा लगाया गया था, तो उसमें भी कुछ स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है. यानी आपको सिर्फ लोगों को बिलीव करवाना है और मैं उसका ज़रिया बना. बहुत सारे एक्टर्स ने बहुत मेहनत की कि ये जो जरिया बने हैं जिस तरह की चीज़ों को बिलीवेबल दिखाने के लिए, क्योंकि सीजी तो बहुत कमाल का था, टेक्निकली बहुत ही एडवांस शो है ये, लेकिन सारे एक्टर्स ने उसको बिलीवेबल बताया, उसके लिए परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़्यादा इमेजिनेटिव और ज़्यादा होना ज़रूरी है. ये उस माइम की तरह है जैसे आप बिलीव करेंगे आप समुंदर में खड़े हैं, आप बिलीव करेंगे आप उस आप हवा में उड़ रहे हैं,
आप ये बिलीव करें कि आप कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखी। डेफिनेटली हार्नेस होता तो डिफिकल्ट है, लेकिन ये थैंक गॉड कि मैंने थोड़ा सा पहले किया हुआ था और गौतम ने भी किया हुआ था, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत कर रखी थी। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है कि हमने वो लाइव लोकेशंस पे किया था। लाइव लोकेशंस पे करने के बाद आपको फील होता है कि आप डेफिनेटली एक यहाँ से जंप किया तो आप इस पोल से उस पोल पर गए, लेकिन यहाँ सब कुछ ग्रीन है। आपको खुद इमेजिन करना है कि आप ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, आप एक ऐसे पोल पर खुद हैं और एक पोल से लेकर दूसरे पानी में आप जंप करेंगे तो आपको वो उतरते वक्त फील होना चाहिए, ज़मीन पर लैंड फील होना चाहिए कि वो रेत है या वो बर्फ़ है या वो सारी चीज़ें हैं या वो लाल पूल, कुछ भी आप मतलब कुछ भी इमेजिन जो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से है आप वो खुद फील करते हैं। तो वो एक सोचना और वो हारने के साथ करना साथ में, तो वो बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन हम लोगों ने सच बताऊँ कुछ जगह डिफिकल्टी होती थी, लेकिन एंजॉय ज़्यादा किया तो डिफिकल्टी साइड हो। देखिए हर किरदार, हर इंसान जो इस दुनिया में घूम रहा है अपने आप में अलग है, और एक कलाकार के लिए हर किरदार डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज जितनी भी हमने ट्रेनिंग ली है एक्टिंग के लिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो सब पीछे छूट जाता है। जो अब कर रहे हैं वो कितना बिलीवेबल और बाकी सारे किरदारों के साथ वो क्या बराबर खड़ा हो पाता है, ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। और एक सेट शो में किसी भी कितने भी एक्सपीरियंस एक्टर के लिए एक एंट्री अपने आप में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनका एक आपस में रेपो होता है, उनकी परफॉर्मेंस का एक लेवल होता है, उसमें उनके साथ खड़े होकर नोटिस होना और वैसे ही परफॉर्म करना जो रिक्वायर्ड है अपने आप में मुश्किल है। तो मेरे लिए ये सब भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट मैंने ये शो इसलिए किया क्योंकि अरविंद बब्बल जी लेक जी लेक टंडन साहब के असिस्टेंट हैं, और मैं जब दरार सीरियल करता था जी टी वी पे तब लेक जी ने मुझे अरविंद जी से मिलाया था। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 92-93, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं लेकिन कभी काम नहीं किया। लास्ट मतलब मिलते रहते थे पार्टीज वार्टीज़ में, फिर जब गणपति घर में बिठाते थे तब जाता था, एक गणपति में नहीं जा पाया, ये चला गया मनीष, तो इनको ये बड़ा अच्छा रोल मिल गया शिवानंद का, मैं वो गणपति में नहीं जा सका और फाइनली खैर एनीवे, तो मैंने ये रोल इसलिए किया मैंने ये रोल इसलिए भी किया कि अरुण जी के साथ काम करने का एक मौका मिल रहा था, चाहे आखिर में ही, चाहे छोटा रोल, जबकि मैं कैमियोज करता नहीं, बट आई रियली एंजॉय डूइंग बिकॉज मेरे दोस्त मनीष भी यहाँ थे और गौतम, अरविंद जी एंजॉयड इट, इट वाज अ लवली जर्नी। सारी फैमिली बन चुके थे हम लोग आपस में, वही उसी तरह से मस्ती करना, कैरेक्टर जब शुरू होता था, एक्शन रोल होता था तो बस उसी वक्त कैरेक्टर में होते थे, अदरवाइज तो हम इतनी मस्ती, इतनी दोस्ती, हाँ 3 दिन में आपको पता लग गया बहुत मस्ती की। अब ये हम लोग एक्चुअली जब लास्ट डे मेरा था अभी परसों, तो उसी दिन फील हो गया था कि हम लोग क्या मिस कर रहे हैं, ये हरा पर्दा जो एक दुनिया बन चुकी थी हमारी, जहाँ ये सारे भाई सारी बहनें, यानी आपस में जो इतना लगाव हो गया था, तो मिस तो करेंगे, बट कोई नहीं, शो मस्ट गो ऑन, आगे कहीं ना कहीं मिलेंगे, और आगे 144 248 कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो यू नेवर नो। We wish both Manish and Suraj good luck for their future projects. Upasna Patel, cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hey, hi, this is Payal Rajput. You are watching me on India Forums and please subscribe on WhatsApp TV. Thank you.